अध्याय 22। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूं। वे ये सुनकर कि वो हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हों उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। हननयाह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल। फिर देखने लग, उसी खड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी हैं। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसे चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या ये उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वो भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारू? सूबेदार ने ये सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू ये क्या करता है? ये तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। ये सुनकर पलटन के सरदार ने कहा कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से ही रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए और पलटन का सरदार भी ये जानकर कि ये रोमी है
और मैंने उसे बांधा है, डर गया। दूसरे दिन वो ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया।